कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, क्या नहीं किया हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग उधर में पूरा राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है, लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करता है, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करता है, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे, हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। आज पटना में जो हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी है मीटिंग में आए हुए हैं, बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को, कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है, और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ पहले, आप लोगों को मालूम है, हमार कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है, तीन चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे।